Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Cooking with Rehmani. कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम चिकन 65 बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है, इसमें 300 ग्राम दही डाला है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून लेमन जूस, 1/2 पुदीना और हरा धनिया डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और 30-45 मिनट्स के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैं स्टार्टिंग में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, इसलिए अभी यहाँ अदरक लहसुन डाल रही हूँ। आप स्टार्टिंग में ही अदरक लहसुन डाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे 30-45 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। देखिए 30-45 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, अब यहाँ 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालें, थोड़े से करी पत्ते, 3-4 हरी मिर्च डाल दें। अब यहाँ मैरिनेट करा हुआ चिकन डालें। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएं। अब यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ लिड लगा दें और इसे लो फ्लेम पे 10-15 मिनट पकाएं। ये देखिए अच्छे से पक गया है। चलिए लास्ट प्रोसेस करते हैं। मैंने यहाँ 3-4 हरी मिर्च लिया है, थोड़े से करी पत्ते, लहसुन और अदरक को बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब हम ये सारी चीज़ इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारा बघार भी यहाँ रेडी है। अब हम इसे चिकन में डाल देंगे। जी हमारा चिकन 65 रेडी है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।